नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बुलेट ट्रेन से देश को मिलेगी रफ्तार, बढ़ेगा रोजगार। भारत और जापान के बीच सामरिक, नागर विमानन, कारोबार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत 15 समझौते। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सीमाओं पर सुरक्षा अभेद्य है, बेफिक्र रहे देशवासी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश को एक सूत्र में बांधती है हिंदी भाषा। केंद्र सरकार को NGT का झटका, दिल्ली NCR से हटेंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन। थोक महंगाई दर बढ़कर 3.24% हुई, 4 माह के उच्चतम स्तर पर है मुद्रा स्फीति की दर। NCERT के निदेशक ऋषिकेश सेनापति ने कहा, इतिहास की किताबों में कोई बदलाव नहीं होगा, नई शिक्षा नीति बनने के बाद ही होगा पाठ्यक्रम में बदलाव। यूपी के बागपत में किसानों और मजदूरों से भरी नौका यमुना नदी में डूबी, 22 की मौत। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में बिहार के पश्चिमी चंपारण की महिला तीर्थयात्री की मौत। शिमला के एक गाँव में 10 वर्षीय बालक ने फांसी लगाई, ब्लू व्हेल गैम का शिकार होने का संदेह। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में बस में करंट फैलने से हड़कंप मचा, 2 यात्रियों की मौत। नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, बुलेट ट्रेन का चुनावी फायदा लेने में जुटे हैं नरेंद्र मोदी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में धार्मिक विद्यालय में आग लगने से 25 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।